काबिल एहतराम मुअज़्ज़म मेहमानान गिरामी को खुश आमदीद कहते हैं। सदर रहमानी वेलफेयर पाकिस्तान जनाब मोहतरम तारक महमूद तारक साहब पिंडाल में तशरीफ़ ले आए हैं। आपकी तशरीफ़ आरबी में सब लोग ज़रा एक दफ़ा भरपूर क्लैपिंग कर दें। जनाब मोहतरम तारक महमूद तारक साहब जो कि मदीना मुनव्वरा में डायरेक्टर हज की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, अभी हालिया दिनों में जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। अभी आपने लास्ट संडे जो है वो अलहमरा हाल नंबर एक में भी प्रोग्राम को जो है वहाँ पे आपने सदारत की और आपकी सरपरस्ती में ही आज का प्रोग्राम जो है वो भी इनकाद पज़ीर है। तो हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि आपकी मेहनत की बदौलत, आपकी काविशों की बदौलत आज पाकिस्तान रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के खिता खिता में गोशा गोशा में कोना कोना में अपना पैगाम पहुँचाने में मसरूफ़ अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के तकरीबन 200 से ज़ायद यूनिट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में एक्टिव किरदार अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में मुख्तलिफ शोबाजात में जो है वो अपना नाम पैदा कर रहे हैं, जिनमें सर फहरिस्त जो है आपकी काविशों और आपके विजन के मुताबिक फ्री सिलाई स्कूल रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम रहमानी वोकेशनल सिलाई स्कूल, एम्बुलेंस सर्विसेज तलीम के मैदान में और इसके अलावा साफ पानी के हवाले से आपकी काविशों का बहुत जो है वो हिस्सा नज़र आता है कि पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं जहाँ तक इन चीज़ों की सहूलत नहीं पहुँच सकती थी। आपके विजन के मुताबिक जो है पाकिस्तान भर के 200 यूनिट्स जो हैं वो आपकी सरपरस्ती में मुख्तलिफ काम जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। अभी रावलपिंडी में जो है वो फ्री खाने का भी जो है वो एहतमाम किया गया है, चांदनी चौक रावलपिंडी में वहाँ पे फ्री दस्तरखान रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम भी लगाया जा रहा है जो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 से 250 लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो खाना और गरीब और कम आमदनी वाले लोगों को जो खाना प्रोवाइड कर रहा है। ये सब आपकी मेहनत, आपकी काविश और आपके विजन का ही नतीजा है। अल्लाह ताला आपको हमारे सरों पे सला सलामत रखे और हमें भी आपके शाना बिशाना जो है मुल्क व कौम की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आपको मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम आपके विजन के मुताबिक रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की टॉप तंजीमों में इंशाअल्लाह ताला लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह ये न सिर्फ पाकिस्तान, इसका नाम बरूने पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो बाहर से ममालिक हैं इंशाअल्लाह वहाँ भी आपका नाम जो है वो पहचाना जाएगा। तो मैं आप लोगों से एक दफ़ा फिर गुजारिश करता हूँ कि आप उनकी आमद के और आपके इस्तकबाल के लिए एक दफ़ा ज़रा भरपूर क्लैपिंग कर दें। जी जैसे पहले बताया जा चुका है कि तलावत कलाम पाक और नाज शरीफ हो चुकी है, तो अभी जनाब मोहतरम असगर अली पहलवान साहब जनरल सेक्रेटरी रहमान वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान जो है वो तशरीफ लाते हैं। जी उधर पर रखो, पर बच्चों बच्चों उधर रखो पीछे। नौकर नौकर की सारी गल सुना रही है जी तुम। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी हाफिज यासीन साहब। साड़िया अज का ये साडा जिहड़ा दिन है, साडियां ए बच्चियां दे नां है। मैं जी आया नूं आखना साडे रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान दे सदर जनाब तारक महमूद रहमानी साहब, डायरेक्टर हज पाकिस्तान उन्हां दे नाल जनाब हकीम अब्दुल जबार राशिद साहब नायब सदर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान, उन्हां दे नाल जनाब गुलाम मुस्तफा साहब नायब सदर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान, उन्हां दे नाल जनाब मुहम्मद अमीन साकब साहब साडे ज़िले के बहुत ही मारूफ सियासतदान ऑफ मराली वाला वाइस चेयरमैन, उन्हां दे मिसिज आए ने उन्हां तुहाडे वास्ते कंबल और एक डिनर सैट लिया, असीं परचियां दे जरिए तुहानूं देवांगे। प्रोग्राम बहुत लंबा नहीं होएगा, असल में एक यूनिट सिर्फ अद्धे घंटे का उन्होंने टाइम मंगया, एक यूनिट लेट है नहीं तो असीं हुण स्टार्ट कर देना सी। तमाम स्कूलों की टीचर हजरात अगे दरखास्त है कि प्लीज़, बल्कि इंचार्ज साहबान प्लीज़ तारक साहब को अपने जोड़े सर्टिफिकेट ने वो सिग्नेचर उन्होंने करवा लवो ताकि असी प्रोग्राम जोड़ा स्टार्ट कर सकी। बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं होएगा इंशाल्लाह, अज के इस प्रोग्राम का जोड़ा वो एक यादगार प्रोग्राम होएगा। मैं उम्मीद रखना
कि अज का प्रोग्राम साड़ियां मावां भैणां जिहड़ियां साड़ियां स्टूडेंट बच्चियां ने उन्हां दे नाल एक यादगार प्रोग्राम होएगा। मैं दरखास्त करांगा कि जिहड़ा कोई चंगा काम करे मेहरबानी करके उहदे वास्ते जरूर तुसीं क्लैपिंग जरूर करनी है। जी तमाम इंचार्ज साहबान तारक साहब को सर्टिफिकेटा दे सिग्नेचर करवा लो ताकि असी प्रोग्राम शुरू करवा सकी। तो दो सिग्नेचर कराओ। ठीक है।